इजी थी, बड़ा मुश्किल टाइम था यार। आज तो हम सब साथ हैं, नया रन भी टेस्ट भी शुरू हो गया, पूरे 10 महीने बाद आए हैं हम लोग। ऐसा लग रहा है नया जन्म ही ले लिया हमने तो। कैसे हो भाई तुम सब? पैसे जिन भाई जो तरबूज लाए थे बड़ा मस्त था। भाई तो दिया, बस मुझे क्यों नहीं दिया जिन भाई? मुझे भी नहीं दिया, मुझे लगा कि तुम्हें खाना ही नहीं था। अरे तुम्हें याद है जब हम थोड़े टाइम पहले मिले थे, वो शायद गया था, कितना टेस्टी था ना यार। हाँ, और एल्बम भी तो बहुत बढ़िया गया था, बड़ा शॉकिंग था। अक्षर
अब से हम आंसर नहीं बोलेंगे पहले, ओके? ठीक है, इस बार आंसर लिखना कुकी से शुरू होगा। तो सवाल ये है कि ऐसा कौन सा खेल है जिसमें बॉल को अपने पैर से मारा जाता है बिना किसी हाथ के यूज करे और नेट भी नहीं होता प्लेयर्स के बीच में। इसमें तो बेस्ट है हम, ऐसे तो दो होते हैं ना, मुझे तो नहीं आ रहा समझ। क्या बोलते हैं अपन उसको? ओए कहीं इस गेम का नाम पांच लेटर वाला तो नहीं है? है ये वो वाला है क्या, फुट वॉलीबॉल? और शायद वैसा कुछ और भी होता है, शायद मुझे नहीं लग रहा कि फुट वॉलीबॉल होगा इसका आंसर, और वो शायद फाइव लेटर वाला ही मिलेगा। मेरे को पता है, ये शायद कुछ ऐसा था ना गायरो ड्रॉप जैसा, वो असली गेम होता है क्या? हाँ, बीच वॉलीबॉल तो नहीं है, शाइनी मस्केट। हाँ चलो इसे ही लिख लेते हैं, मैं तो कंफ्यूज हूँ बहुत, मुझे तो पक्का लग रहा है इस बार गलत कर रहे हैं हम। और कुकी तो बड़ा स्मार्ट है, चलो अभी हम सबके भी दिमाग में जो आ रहा है लिख लेते हैं। हाँ हाँ, पर इस बार ज्यादा उम्मीद मत रखना आंसर सही मिलने की। ओके, 1 2 3 दिखाओ आंसर। ये क्या है? से सॉरी पैक फुट बॉल है क्या? वो सबने अलग लिखा है क्या? हाँ यार, मैंने और मैंने तो फुट बॉल ही लिखा है। इसका आंसर था से पक टकरो। ये क्या है, मैंने तो नहीं सुना कभी, तभी तो ने सॉरी लिखा उस पे। से पक टकरो, चलो कुछ नया तो सीख ही लिया आज। हमारे दो सवाल तो ठीक थे ना बिल्कुल? हाँ, प्रैक्टिस राउंड को मिला के दो। तो फिर प्राइज क्या मिल रहा है आज हमें? नहीं नहीं भाई, ऐसे मटेरियलिज्म नहीं दिखाना चाहिए। ओह अच्छा, ठीक है तो चलो पूछो अगला सवाल। क्या है? फल रेड ब्राउन या लाइट ब्राउन होते हैं गर्मियों में, ग्रे कलर के होते हैं सर्दियों में, और एक बिग व्हाइट स्पॉट होता है उसके बट पे, ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं? शायद पता है, कितने लेटर होंगे इसमें? शायद दो है, देखना ये यही है क्या? बाबी नहीं है, था ना? ओ, मैंने भी होंगी भाई, फॉरएवर लिखा है।
रही है क्या? बुराई है या पर्यावरण से? आर्मी में लग ये नहीं है क्या? यार अभी ये कहाँ से आ गया बीच में? इसमें तो वैसे भी 9 लेटर्स होते हैं ना। चाहे बुराई हो या फिर पर्यावरण, आज तुमने सही लिखा है ना? है? ओ हाँ। बुराई जीत गया। चाहे कुछ भी हो मैं जीतूंगा, मेरा तो सही आंसर है। आंसर एक इंग्लिश वर्ड है। नहीं यार मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा है। मतलब फॉरएवर ही होगा आंसर, हमारा सही मिलेगा वही तो इंग्लिश में होता है। अब बता भी दो क्या है सही आंसर। हाँ पर इन्होंने हिंट तो दी थी हमें अभी। ओ मेरे को नहीं आ रहा लिखिए क्या। पर मैं कौन सा लेटर था, मेरे को किस नंबर पे लिखना था याद नहीं आ रहा। ओ मुझे भी नहीं याद यार। ये देखो लिख दिया हमने तो। मैंने तो शुरू में सही आंसर बता दिया था। है रुको एक मिनट, पर सुनो मैंने लिखा था कि वी लव यू, तो फिर उसका मतलब भी तो फॉरएवर ही हुआ ना। ये तो मैंने पहले लिखा था। है तेरा भी सही है क्या? मैंने तो वी लिखा है, यही होगा आंसर। क्या और किसी ने बुरा ही लिखा है क्या? नहीं आंसर पक्का फॉरएवर है। नहीं यार गलत है अपना। अरे नहीं वैसे तुम लोगों का पहले वाला प्रैक्टिस राउंड मिला के दो आंसर सही थे। क्या यार मेरे को तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं अभी निराश मत हो, अभी तुम्हारा परफॉर्मेंस टेस्ट होने वाला है। परफॉर्मेंस टेस्ट? इसमें तुम आंसर बताने के लिए अपनी बॉडी का यूज करोगे? है इसमें तो पक्का ही मैं बढ़िया खेलूंगा, पता है मुझको। वैसे भाई अगर आप पुराना टाइम याद करें तो हम कुछ बढ़िया नहीं कर पाए थे इन क्वेश्चंस में। कोई बात नहीं इस बार तो हम बहुत बढ़िया खेलेंगे, बिल्कुल बेस्ट करेंगे अपना। पहला सवाल इजी है, प्रैक्टिस राउंड नहीं है क्या? नहीं नहीं सीधा ही। ठीक है तो फिर करते हैं शुरू। पूछो पहला सवाल, देखते हैं कितना इजी होगा। तो तुम्हारी परफॉर्मेंस टेस्ट का पहला सवाल ये है कि अगर कोई लेटा है और उसके मुंह के ऊपर उसका सेल फोन गिर जाता है तो है? हमें वो वैसे वाली पोज बनानी है क्या? फिर लेट के ऐसे सेल फोन चलाएंगे, हमें बॉडी का यूज करके एक्सप्रेस करना है ना आंसर। ओके 1 2 3 हाँ ये देखो। ओ अपने चेहरे के एक्सप्रेशन का भी तो यूज करना है हमें। ओ तेरी ऐसे गिरेगा फोन। गलत है क्यों? अपना मुंह एक तरफ को घुमाना पड़ेगा ना। हाँ मैंने भी ऐसे करा था। नहीं मैंने तो नहीं किया कुछ ऐसा। ओ यार हम तो ऐसे रहेगा तो फिर तुझे चोट लग जाएगी ना। हाँ मैं तो ऐसे सीधा था ना यार। नामजुन ऐसे तो सीधा तेरे मुंह पे गिरेगा फोन। चोट खाने से डरने लगता है क्या? मतलब मैंने तो सही किया था जो मुझे समझ आया। कैसा लॉजिक क्या? वैसे भी अगर हम सो भी जाए ना तो भी इंस्टिंक्ट से सिर घूम ही जाता है। अरे ये तो आरएम है ना, हम सब की तरह थोड़ी काम करता है ये। मेरा एक सवाल है, अगर हम साथ लेटे और हमारा फोन हमारे ऊपर गिरे और हम अलग अलग डायरेक्शन में मुंह घुमाएं तो क्या हमारा एक दिमाग नहीं है? छोड़ो भाई मुंह बंद करते हैं। अगला सवाल परफॉर्मेंस टेस्ट का। अगर तुम सोचो कि कॉफी ठंडी है पर वो तो बहुत ज्यादा लावा जैसी गर्म थी। ओके 1 2 3 मैं तो कॉफी पीता ही नहीं कभी। पर एक मिनट हम गर्म कॉफी क्यों पियेंगे? हाँ हाँ मैं तो नहीं पीता ऐसी कॉफी। पर ये तुम्हारा परफॉर्मेंस टेस्ट चल रहा है तो ध्यान से एक्सप्रेशन बनाना। आरएम के अलावा सबका हो गया है? क्या कर रहा है यार आरएम तो? है हाँ अब पर ऐसे कॉफी लेके आएंगे और वो गर्म होगी तो सीधा ऐसे। हाँ अरे तू ऐसे करेगा तो सीधे उड़ के जाएगी ना कॉफी कहीं पे। नहीं पर ये आरएम तो कर भी सकता है तो बड़ा वियर्ड है ना। हाँ पर ऐसे कौन करता है भाई? हाँ ये तो खुद का भी हाथ चला लेगा ऐसे। हाँ सही बात है। क्या आरएम भाई आजकल ज्यादा स्पेशल बनने का मन कर रहा है क्या आपका? नहीं मतलब मेरे को जो समझ आया वही तो किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस बार ढंग से करना। हाँ इस बार मैं दूसरों के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करूंगा। अभी 1 2 3 बोलते ही तुम्हें खड़े होकर पोज देनी है। है ठीक है ओके। टॉपिक ये है कि तुम लोग पीसी कैफे पे गेम खेलते हो और एकदम से बिजली भाग जाती है वहाँ पे। है ओ हाँ हाँ ओके 1 2 3 है तुम सब खड़े क्यों हो गए? चुगा ये एक्सप्रेशन असली नहीं है। पीसी कैफे उत्तरी लगता है ये तो बहुत बार गेम खेलने गया ही नहीं। एक मिनट नहीं सॉरी यार, सीधा खड़े हो गए डेस्क पे हाथ मारना होता है। ओ हाँ यही बात है। पर अरे ऐसे सिचुएशन में वही तो सबसे पहले करते हैं, फिर हम थोड़े कंफ्यूज होकर एम्प्लॉय को बुलाते हैं उधर। मान लो एकदम से बिजली चली जाए तो हम पीछे मुड़ के पार्ट टाइम वर्कर को सबसे पहले बुलाते हैं और बोलते हैं सर जी ये कंप्यूटर नंबर 7 तो बंद हो गया, रैंकिंग गेम खराब होने पर इतने आराम से थोड़ी बोलेंगे हम। वो एमपीसी पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो याद है ना? उसके हिसाब से तो यही। ओ भाई तेरे को नहीं आता गेम खेलना, ऐसे कौन करता है? हाँ गेम खेलने पीसी कैफे तो मैं ज्यादा बार नहीं किया, ऐसे तो सोके में रिएक्शन देखने को मिलते हैं बस। छोड़ो यार किस्मत ही खराब है, चलो अगला टॉपिक बताओ हमें। इस बार हारेंगे तो किसका इनाम लेंगे? वैसे ये वाला इतना मुश्किल नहीं है, टॉपिक कॉमन प्रॉब्लम है। ओ अच्छा एक ऐसा कुत्ता जो एक हफ्ते के बाद अपने मालिक से मिला है। ओ इसका तो हॉबी बढ़िया करेगा, अब मेरे को कुत्तों की फीलिंग समझनी पड़ेगी। हाँ भाई तो कहते ना। चलो आंसर देना शुरू करो 1 2 3। ये क्या कर रहे हैं सबके सब जमीना? वैसे यार असली कुत्ते हाथ के थोड़ी है। हाँ बिल्कुल सही ऐसे ही करते हैं।
डामन डिफिकल्टी लेवल कम कर देते हैं। अगर तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन मैच हुए तो तुम्हारा आंसर सही माना जाएगा। है ओके टॉपिक ये है, तुम्हें लगा कि तुम लॉटरी जीतते हो पर वो तो पिछले वाली थी। है ओ ये एक्सप्रेशन है, ऐसे ही तो करेंगे ना। ओके 1 2 3 हां हां एकदम से उदासी आ जाएगी चेहरे पे। ओए कुकी तू क्या कर रहा है? मैं तो एकदम सदमे में आ गया, असलियत में एकदम से हिट कर रहा है मेरे को। यार ये तो बड़ा फनी होगा ना, इस बार भी हार गए हम। मैंने तो अभी अभी लॉटरी खरीदी है, तो क्या हुआ यूंगी? नहीं जीता यार मैं, अगर जीत जाता तो तुम्हारे आगे ढिंढोरा नहीं पीटता सबसे पहले। ओ हाँ इस बार तो अपना करंट स्कोर 0 है, मुझे लगता है कि हम लिखने वाले में जीत जाते। मुझे तो भयंकर ट्रॉमा हो गया, लगता है इस बार तो हम सही बता देंगे। हाँ कम से कम एक में तो जीते हम। टॉपिक है, तुमने एकदम से डांस में कोई मिस्टेक कर दी और जाके तुम्हारी आंखें सीधा हॉबी से मिली। ओहो ये तो बड़ा खतरनाक है। 1 2 3 यही तो एक्सप्रेशन हो गया ना हमारा। एकदम ऐसे ही एकदम से डर जाएंगे हम तो हॉबी को देख के। हाँ यार इस बार तो हमने सेम पोज बनाई है सबने, क्योंकि इस मामले में हमें एक्सपीरियंस है बहुत। हाँ मैं तो वैसे भी डांस में भाग जाती है बेटा, मेरी तो सही में आंखें उधर की उधर रह जाती है, डर जाता हूँ मैं तो बिल्कुल। हाँ ये तो हम सबके साथ ही हुआ है, मैं तो उधर की उधर ही रुक जाता हूँ। हाँ यार गलती किसी से भी होती है ना, डांस में सीधा हॉबी की तरफ ही देखते हैं हम। अगर हॉबी भाई मेरे पीछे होता ना, मैं तो बार बार पीछे देखता रहता हूँ कि सही कर रहा हूँ या नहीं। डांस में तुमने गलती करी और हॉबी से आंख मिलाई तो बस भाई खत्म, और तो और एकदम सारी गलतियाँ याद रखता है ये हमारी। जैसे परफॉर्मेंस खत्म होती है आगे पूरी लिस्ट कमा देता है, यहाँ गलती करी वहाँ गलती करी, गजब बंदा है हमारा हॉबी। अभी तुम सब तैयार हो? हम तो कब से रेडी बैठे हैं, ऐसा लग रहा है 7x7 बैटल चल रही है इधर। क्या बोल रहा है यार तुझे मियां, कुछ नहीं शांत शांत शांत।